चुप क्यों मार रहे हो मुझे? सबको मैं कह रहा हूँ थोड़ा फोन करो, मैंने डॉक्टर चुप को सबर किया है। क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सबर करो, मैंने डॉक्टर चुप को फोन किया है, वो आते ही होंगे। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कल रात को तो मैंने तुम्हें एकदम फ्रेश खाना दिया था। यहाँ मैं मर रही हूँ, तुम खाने की बात कर रहे हो। अच्छा सुनो, अगर मरना ना तो इतनी जल्दी मत मरना, एक आध फिल्म हिट हो जाए उसके बाद मरना। क्यों? उसे क्या होगा? उसे ये होगा, तुम्हारे सब मरे हुए प्रोड्यूसर फिर से खड़े हो जाएंगे। कैसे? तुम्हारी फ्लॉप फिल्म में चल पड़ेंगी। चुप करो। मैं गमीन। आइए 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 डॉक्टर साहब, आपको तो काफी देर हो गई। वैसे क्या है, वो चंचू को तैयार होने में थोड़ी सी देर लगी। चंचू? जी हाँ मेरी बीबी, जब भी मैं किसी लेडी पेशेंट को चेक करने जाता हूँ वो हमेशा मेरे साथ आती है। अगर वो पेशेंट महिला हो, इधर खूबसूरत हो, तो स्टेथोस्कोप उसके पास होता है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आइए जी, आइए आइए। हेलो चंचू। आइए आइए। सपना, क्या हो गया तुम्हें? पेट में सुबह से पता नहीं क्यों इतनी दर्द हो रही है। ये लो, कान को लगाओ। सांस कैसे? मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ मैडम, आप सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस? कोई तो बुला रहा है मुझे, एक मिनट। क्या है, क्या है, बोलो भैया। प्रॉब्लम ये है, सॉरी, अब क्या फायदा? प्रॉब्लम ये है कि इसकी सांस में दर्द नहीं है, इसकी पेट में दर्द है। सपना ने कुछ खाया तो नहीं था? मैडम ऐसा है कि जब से इसकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई हैं, इसने रात का खाना बंद कर दिया है, व्रत रखती है 116 शुक्रवार। अच्छा एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ, मैं देखती हूँ जरा सपना को दर्द क्यों हो रहा है। आइए मैं आपको चाय बना के देता हूँ। आइए मैं आपको बिल बना के देता हूँ। सपना, सच सच बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम किसी पार्टी में तो नहीं गई थी? आए, तुम्हें कैसे पता लगा? वो क्या है कि अक्सर दूसरों का सक्सेस देखकर फिल्मी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। एक्चुअली चंचू, क्या बात है कि मुझे हॉलीवुड से आए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ मेरा कुछ काम नहीं बना। तब तो तुम्हारी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है। क्या क्या? क्या है कि तुम कोई ऐसा स्टंट करो, ऐसा स्टंट करो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी पब्लिसिटी मिले। पब्लिसिटी? हाँ। आइडिया आइडिया, नींद की गोलियां खाकर मर जाती हूँ। सपना, इससे तो तुम्हारे सारे प्रोड्यूसर्स मर जाएंगे, वैसे भी तो बेचारे आधे मरे हुए हैं। हाँ, ठीक बात है। एक और आइडिया है, 10वीं मंजिल से गिर के मर जाऊं। इससे तो तुम्हें सिर्फ एक बार पब्लिसिटी मिलेगी। वो क्या है कि मरने से ज्यादा पब्लिसिटी तब मिलती है जब कोई मारने की धमकी देता है। वेरी गुड आइडिया। ऐसा करते हैं, चारों तरफ बात फैला देते हैं कि कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है। That's a very good idea. मशहूर अभिनेत्री सपना को जान से मारने की धमकी, सपना जी की पुलिस से अंगरक्षक देने की मांग। गोखले, अरे हम दोनों ही बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते? हम क्या बॉडीगार्ड बनेंगे यार, हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात भी सच है गोखले। तू जानता, कल सुबह मैं ट्रेन से आ रहा था तब एक चोर ने मेरी आंखों के सामने मेरा पॉकेट मारा और मैं कुछ नहीं कर सका। क्यों? अरे मैं चोर चोर बोल के उसके पकड़वा देता तो लोगों को पता चल जाता कि मेरे पॉकेट में चारा ना भी नहीं है। खैर वो बात छोड़ दो, तुम जानते हो बॉडीगार्ड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अपने शर्मा साहब जैसा। इतना मोटा बॉडीगार्ड क्या बकबक कर रहा है गोखले? शर्मा जैसा बॉडीगार्ड होगा ना तो ऐन वक्त पर भाग भी नहीं सकेगा। क्या कर रहे हो? ठीक मांगो। काम क्यों नहीं कर रहे हो? कमाल है बॉस, हम जब भी आपके बारे में बात करते हैं आप आकर सुन लेते हैं, और खास करके जब भी आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। मुझे मालूम है कि तुम क्या अच्छी बातें मेरे बारे में कर रहे थे, तुम मुझे मोटा कह रहे थे। अरे मोटापा तो अमीरी की निशानी है। शर्मा सर, आप सपना जी के बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते? क्यों बन जाऊं भाई, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? कंपनी मुझे बढ़िया तनख्वाह देती है। अरे एक्ट्रेस का बॉडीगार्ड कोई तनख्वाह के लिए थोड़ी होता है। अरे मुझे सपना जी का बॉडीगार्ड बनने का मौका मिले ना तो मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मेरा पैर छोड़? अबे मेरा पैर! गोखले, मैंने जानबूझ के पैर दिया था। लेकिन मैडम, आपको भला कौन मार सकता है? वही जो हर एक घंटे बाद मुझे फोन करके धमकी दे रहा है। लेकिन मैं तो यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ। खड़ा होगी नहीं, बीच में आप बैठे थे ना? बीच में बैठा था, लेकिन मेरे सामने तो धमकी वाला फोन आया क्या? हेलो हेलो हेलो,
वो कमबख्त से 5 सिक्के खा चुका है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? विश्वास है, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना हमारे डिपार्टमेंट वाले तो हमेशा मर्डर के बाद ही पहुँचते हैं। आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं देंगे? प्रोटेक्शन देंगे ना, जरूर देंगे, लेकिन जब हम अपने कानों से वो धमकी वाला फोन सुने तब। लेकिन आपको पब्लिक टेलीफोन से कॉल करने के लिए किसने कहा था? लेकिन फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, सारी धमकियाँ पब्लिक टेलीफोन से दी जाती है। फोन क्यों नहीं आया? मैंने कहा था 1 घंटे के बाद फोन करने को। क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि जब उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगी, 1 घंटे बाद फोन करना। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन अब तक तो फोन आ जाना चाहिए ना। हाँ, हो सकता है उनके 1 रुपए के सिक्के खत्म हो गए हो। वो पब्लिक टेलीफोन सिर्फ फिल्मों में चलते हैं, वरना हकीकत में उनका नाम होता है आउट ऑफ ऑर्डर। चलो ये लास्ट ट्राई करके देखता हूँ। लास्ट ही होगा, एक ही तो कॉइन बचा है। ठीक है, करता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, हमारे पीछे भी वो आदमी खड़ा है। उसकी शक्ल देख के लगता है जैसे उसको भी किसी को धमकी देनी है। ठीक है, चले जल्दी कर, चल। ब्रदर 2 मिनट्स, थोड़ा पर्सनल काम है बस। ब्रदर हो गया बस। मैडम तो ऐसे उछले जैसे आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला हो। हेलो, कौन बोल रहा है? लगा देखो कौन बोल रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए तैयार रखना। 5 लाख? क्या आपने भाव घटा दिया है? पहले तो आपने 20 लाख कहा था। रॉन्ग मिस्टेक हो गई। सुनो, 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए तैयार रखना, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। देखा, अब तो आपको विश्वास आया, अब तो आप मुझे बॉडीगार्ड देंगे। अरे, सारे पैसे वापस आ गए, फोन तो फ्री में हो गया। करो 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 भाई करो। शीला, आ रहा हूँ, सब्जी लेके आ रहा हूँ। आपसे कोई घटिया मजाक कर रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो ये, धमकी देने वाले की आवाज इतनी पतली नहीं होती। दूसरी बात, ऐसे लग रहा था कि वो गा रहा हो। और तीसरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, धमकी देने वाला हकीकत में धमकी देने के बाद हा 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 ऐसे गाता नहीं। ये सब फिल्मों में होता है। तो आप मुझे बॉडीगार्ड नहीं देंगे? फालतू धमकियों के लिए हमारे पास बॉडीगार्ड नहीं। ठीक है, मैं अपने लिए खुद ही बॉडीगार्ड अपॉइंट कर लूंगी। फिलहाल तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। धीरूबा का बच्चा एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता। Excuse me, sir. क्या चाहिए तुम लोगों को? भिख मांगो। गोखले तुझे कह रहे हैं। सर सर, आपके पास आज दोपहर का अखबार है क्या? है ना, लो पढ़ो, लो लो पढ़ो। अरे दोनों एक साथ क्या पढ़ रहे हो? पुलिस ने तुम पर इनाम रखा है क्या? सर यहाँ जो खबर छपी थी वो कहाँ गई सर? कहीं आपने फाड़ कर जेब में तो नहीं डाल दी? सर अखबार छोड़ कर के तुम लोगों को यही खबर पढ़नी है? नहीं सर, इस खबर के बगैर ये अखबार जो है वो अधूरा है सर। हाँ। सर दीजिए ना प्लीज, दीजिए प्लीज, दीजिए। मेरी जेब फाड़ दी, मैं दोनों को फाड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ से आए हो? नेपाल से।
आया, आपका अखबार में वो मैट पढ़ के आया। अबे मैट नहीं, मैट के बच्चे ऐड पढ़ा होगा, ऐड वो पढ़ गया। लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सीधे बेडरूम में घुसा है। मैम साहब, हम जरूर बेडरूम में घुसा, लेकिन आपको सुबह तक नहीं जगाया। इसका मतलब तुम सारी रात यही थे? मैम साहब, सच्चा अंगरक्षक, सच्चा बॉडीगार्ड अपनी मालकिन पर 24 घंटा नजर रखता है। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुमने पहले कहीं काम किया है? ओ साहब जी, क्या बोला, बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया। अरे बड़े बड़े एक्टर लोगों के साथ, स्टार्स लोगों के साथ काम किया। आप दारा सिंह को जानती? जानती। आप रंधवा को जानती? जानती। आप बॉब क्रिस्टो को जानती? जानता। अच्छा, हम उन सब का बॉडीगार्ड था साहब जी। ओए, उन लोगों ने हमको बहुत बचाया, ओ बहुत बचाया, बहुत बचाया। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कोई तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है? ए, ओए साहब, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पढ़ो। अरे ये तो डॉक्टर चुप का सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है? अबे ओए पाजी, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। इसमें लिखा है इस कैरेक्टर को जुकाम रहता है। हाँ, कैरेक्टर तो लिखा है, कैरेक्टर। मैं देखती हूँ कौन है, यही रहना। अच्छा मैम साहब, ओए पाजी, मैं देखता है कौन है, इधर ही रहना, समझे? गोली खाई गई। ठीक है। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग। अब कैसे आपके पेट का दर्द? डॉक्टर साहब, उस दर्द की जगह अब इस नेपाली ने ले ली है, आप जानते हैं इसे? देखिए, मैं किसी निग्रो और चाइनीज और दाढ़ी वालों को फौरन पहचानता नहीं हूँ, ये कौन है? ओए डॉक्टर भी, ओए तुम मेरे को नहीं पहचानता? मैं बहादुर सिंह, शेर सिंह तेरपा। तूने मेरे बदन से 12 गोली निकाला था। अरे वो सब ठीक है, लेकिन इतनी गोलियां खाई क्यों? अबे ओए बाजी डॉक्टर, मैंने गोली खाई नहीं थी, मेरे बदन पे लगा था। तूने ऑपरेशन टेबल पे एक एक करके गोली को निकाला था। लेकिन ऐसे दाढ़ी वाले को मैं कभी ऑपरेशन टेबल पर लेता नहीं हूं। अरे क्या बात करता है ओए बाजी, 10 साल पुराना बात है, उस वक्त मेरे को दाढ़ी नहीं था। अरे लेकिन 10 साल पहले मैं डॉक्टर भी नहीं था। ओए तू क्या बात करता है बे पाजी, ऑपरेशन का मैं तेरे को पैसा नहीं दिया था, ये ले 500 रुपया। अब याद आया बे? ओए समझा। अरे ये तो मेरा पेशेंट है, तेरपा तेरपा से बात कर बे। ओए लग जाएगा। ये तेरपा, अभी तू कैसा जिंदा है ना? ओए जिंदा है बे, ओए जिंदा है, लेकिन उस वक्त तूने मेरे को डेथ सर्टिफिकेट दिया था, अब जिंदा है। ठीक है मैडम, ये आपके लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड है। लेकिन बहादुर सिंह शेरपा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो 12 गोलियां आपको लगी कैसे? ओए मैम साहब, क्या बात बोलेगा, बहुत पुराना हिस्ट्री है, बहुत पुराना, 1962 फोर्थ वर्ल्ड वॉर का बात है। एक दिन क्या हो गया मैम साहब, हम ये हमारा AK-47 राइफल ऐसे हमारा बदन पे रख के उसको क्लीन करता था, उसको साफ करता था, भूल से हमारा हाथ ट्रिगर पे लग गया। चलिए सपना जी, मैं आपको इंजेक्शन देता हूँ। ओए डॉक्टर भी, ओए हम मैम साहब का बॉडीगार्ड है, आज से सपना जी जो कुछ भी लेगा सबसे पहले हम टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट करो। ओके। सपना जी, जैसे कि आप जानती हो कि सीन ये मैं है। नहीं जानती डायरेक्टर साहब। आप नहीं जानती? जी नहीं। अरे खड़ी क्या है मिता, सीन समझा। हाँ, तो सपना जी ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़ी है, हीरो वहाँ से आ रहा है और वो कहता है कि मीना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो इसी गन से मैं अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ऐसा कह के वो गन अपनी खोपड़ी पे लगा लेता है। और ये कौन है, ए क्या करे? ये तुझे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा है? ओए चिल्लाने का नहीं बे, ओए पाजी, हम सपना जी का बॉडीगार्ड है। बहादुर जी, मैम साहब वहाँ जाके खाए रहो प्लीज। अच्छा मैम साहब, जाओ तुम क्राउड में खड़े रहो, मैं सपना जी को सीन समझा देता हूँ। अच्छा सपना जी, बाजी है ये क्या कर रहा है? ओए बॉडीगार्ड का ड्यूटी कर रहे लग ये पकड़ा जेब में क्या है खाली कर बे। अरे भैया क्या है? ये मेरा लंच है, वड़ा पाव। अच्छा वड़ा पाव, तू ऐसा लंच खाते है? लो बजट फिल्म है ना, मेरे को लंच चेक करना पड़ेगा। ये अच्छा है, अच्छा है। ओए ठीक से काम कर रहे हो बे पाजी, ठीक से काम कर। दीलो क्या है सबको, क्या है? प्लीज इसकी तनख्वाह देकर इसको यहाँ से रफा दफा करो। तनख्वाह देकर? लेकिन इसको तनख्वाह में रखा किसने है? ये फ्री में काम करता है। और मैम साहब, सच्चा मर्द औरत की रक्षा का पैसा नहीं लेता। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी रक्षा मेरे लिए बहुत महंगी है, तुम्हें
ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, मुझे कम। आप झूठ बोल रही है मैम साहब, मेरी वजह से आपको भी तो पब्लिसिटी मिल रही है। रोज अखबार में छपता सपना जी के बॉडीगार्ड ने ये किया, सपना जी के बॉडीगार्ड ने वो किया। लेकिन हमको वो सब नहीं चाहिए ना। ओ बिच में मत बोलो पाजी। क्या बोला? पापा जी गेट पे जाओ, मेरा वेट करो, मैं शूटिंग में जा रही हूँ। अच्छा चलिए मैम साहब। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम्हें देखते ही मेरा डायरेक्टर नाराज हो जाता है। अच्छी बात है मैम साहब। ओके मैम साहब, लेकिन आप इस पाजी से बच के रहिएगा। क्या बोला तू? ओ हाथ मत लगा बे, ओए पाजी, पापा जी। ठीक है। अच्छा मैम साहब, मार्च आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। उधर कहाँ जा रहा है? उधर कहाँ जा रहा है? गेट इधर है, इधर है, यहाँ से जाओ, मार्च यहाँ से आगे जाएगा, आगे बढ़, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ओए पाजी, ठीक से कमांड देना सीख बे। ओए पाजी। पापा जी बोलो। पापा जी निकल ले। मार्च पीछे बढ़ेगा, पीछे बढ़। चीनो, इसका कुछ बंदोबस्त करो। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो ना सप्पू, मैं इसका ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि ना रहेगी इसकी बॉडी और ना बचेगा गार्ड। ओखले, कोई आइडिया निकाल, कोई आइडिया निकाल, वरना वो दिलरुबा का बच्चा मेरी ये बॉडीगार्ड की नौकरी छुड़वाएगा। लेकिन तू क्यों कंटिन्यू करना चाहता है? गोखले, अरे मशहूर अभिनेत्री के करीब रहने में बहुत फायदे हैं। मतलब? अरे मतलब तू छोड़ ना गोखले। ठीक है, तू नहीं समझेगा, तू अभी कच्चा नींबू है। गोखले, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तेरे दिमाग में? कहीं से दो गुंडों का इंतजाम कर गोखले। बोलो साहब, किसको टपकाने का? बोलो। एक मिनट क्या? राजू छिलका। अरे बाप, क्या सही पहचाना, वन वे ट्रैफिक। अपन राजू छिलका का जुड़वा हुआ है काजू फुलका। जुड़वा भाई। हाँ बोल, किसको टपकाने का? बोल। किसी को टपकाने का नहीं है, तो खुद टपकने का है। मतलब? आज शाम को तुम्हें एक एक्ट्रेस से मिलने जाना है। एक्ट्रेस के पास? हाँ, एक मशहूर एक्ट्रेस है। हाँ? उसका एक बॉडीगार्ड है। हाँ? तुम्हें उस एक्ट्रेस पर झूठ मूठ का हमला करना है। हाँ? वो बॉडीगार्ड तुम्हें मारेगा और तुम्हें वहाँ से भाग जाना है। नहीं सब, एक काम आज शाम को नहीं जमेगा। क्यों? अरे ऐसे कुछ काम के लिए अपन पहले से बुक है क्या? और वो भी फिल्मी एक्ट्रेस है क्या? हाँ, सिर्फ इतना है कि उसके बॉडीगार्ड को टपकाने का है क्या? अच्छा 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 अच्छा, नाम क्या है उस एक्ट्रेस का? सपना। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, इनको क्या हो गया? उनको छोड़ो, मुझे ये बताओ, बोलो क्या तुम वाकई उस बॉडीगार्ड को मारने वाले हो? अरे उसको मारने को अपने को 1000 रुपए का सुपारी मिला है मालूम, और इसका हाथ भी तो ऐसा तोड़ दिया ना, तो अपन को 1500 रुपया मिलने वाला है मालूम, और ये आँख तोड़ दी ना, तो अपन को तो मालूम है डे नेट गूगल मिलने वाला है मालूम। क्या हो गया इनको? नहीं उनको छोड़ो, मुझे ये बताओ सुपारी देने वाले का नाम क्या है? दिलरुबा। राम, कहाँ मर गया ये काजू फुलका, अब तक आया क्यों नहीं? बोलो। आ गए, सुपारी खा लिया था ना? खा लिया नहीं, मिल गया बोलते। बॉडीगार्ड की तरह आता ही होगा। देखो भैया, आज उसको ऐसा मारना कि जिंदगी भर याद रखे। ब्लो मारना, किक मारना, दबी पछाड़ मारना। समझ गया। फिकर मत करो मैम साहब, हम आपका बॉडी को बहुत अच्छी तरह से गार्ड करेगा। आ गई सपना जी, आ गई। सपना आ गई नहीं, सपना आ गया बोलो। नहीं, सपना जी आ गई, वो बॉडीगार्ड साथ में है। देख लेता हूँ। क्या अकेले जाओगे? तो सपना के लिए अपना अकेले ही काफी है। सपना को कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो करना है बॉडीगार्ड को करना है। अरे बार बार वही बात कर रहा है, पकड़ रहे, आता हूँ मैं जब। अरे इससे पहले हम दारा सिंह का बॉडीगार्ड। दारा सिंह चल हट। ए चम्मक छल्लू। ए ए ए ए छेड़ मत, क्यों कर रही है? पाजी, हमारा मैम साहब को छेड़ने का नहीं बोला। ए भाई जा ना। कमाल के आदमी हो, 1000 रुपया लिया भी और मार खा के भाग रहे हो। तो भागने के अपन को 2000 मिले थे। अपनों
अब लगता है मुझे अपने स्टाइल में ही कुछ रैपिड फायर एक्शन राउंड करना पड़ेगा। बाजी लोगों को मार मार के बुर्ता बना के भगा दिया। ठीक है, ठीक है। हेलो। लग गया, लग गया। हेलो। अबे ओ बॉडीगार्ड के बच्चे। ओ बे ओ बाजी। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। मैम साहब, कोई बाजी मेरे को जान से मारने का धमकी देता है। दिखा मुझे। हेलो सपना, मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा। कौन बोल रहा है? तुम जानती नहीं मैं कितना बड़ा किडनैपर हूँ। जल्दी कर, साहब का फोन करना है। बस हो गया, हो गया, हो गया भैया। तुम वही हो सपना को धमकाने वाले? हवलदार पकड़ लो। सर क्या रखा है? सर सर मेरी बात सुनिए सर। चल जल्दी। शेर सिंह जी। मैम साहब, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैम साहब बोलो ना। मैम साहब मुझे क्या चाहिए? कौन है? कौन है? आखिर हमने उस बदमाश को पकड़ लिया है जो आपको फोन पर धमकी दे रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ी देर पहले एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से बदमाश आपको धमकी दे रहा था। लेकिन इसे नकाब क्यों पहन रखा है? वो ऐसा है मैडम, अगर मुजरिम के चेहरे पर काला कपड़ा नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा मुजरिम कौन है? लेकिन मैं इसका चेहरा देखना चाहती हूँ, क्या ये मेरा नकाब हटा सकती हूँ? जरूर जरूर। एक मिनट, इसने मुझे बहुत तंग किया है, पहले मैं इसकी धुनाई करना चाहती हूँ। हट जाओ पीछे। बस सब ठीक है, अब हटाइए इसका नकाब। हटा नकाब। दिलू तुम? सप्पू तुमने मुझे ही मारा। I'm so sorry. मैडम, क्या आप इस बदमाश को जानती हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये बदमाश नहीं है, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। कभी कभी आम शरीफों की तरह थोड़ी सी बदमाशी कर लेता है। आप इसे छोड़ दीजिए प्लीज। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार एक बदमाश को पकड़ा था, वो भी शरीफ निकला। आप ऐसा कीजिए, आप उन दो गुंडों को पकड़े जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। क्या कहती आप? आप पर हमला किया था? वो तो अगर शेर वहां नहीं होता तो जाने मेरा क्या होता। मैम साहब, मैं शेरू नहीं, केशव हूँ। केशव तुम? जी साहब।